So dear brothers, we can come and share the word of God. God has given us so many things in our life, and the word of God is a very precious gift. प्रभु का वचन हमको एक बड़ा तोहफा जैसा दिया हमको, और पवित्र नया नियम तो पवित्र यीशु का शब्द और पवित्र आत्मा के शब्द हमारे पास है, ताकि हम प्रभु के वचनों से हमको प्रोत्साहन मिल सकते हैं, हमको ज्योति मिल सकता है, प्रकाशित भी हो सकता है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही है, क्योंकि नया नियम में हमको वी गेट द रेवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, एंड दिस इज हाउ वी विल शेयर एंड एनकरेज वन अनदर रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स इन आवर लाइफ दैट आर सो हिडन। हमारा जीवन में इतना सारा छिपा हुआ चीज है, रोज प्रभु हमको दिखाते हैं हमारा एटीट्यूड, हमारा थॉट्स, हमारा मोटिव्स जो है, हमारा अंदरूनी चीज जो हम लोग सोचते हैं वो प्रभु देखते हैं। तो एंड दैट्स हाउ गॉड क्लेंसेस आवर हार्ट्स फ्रॉम सो मेनी इविल थिंग्स। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू एनकरेज वन अनदर थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, व्हाट गॉड हैज स्पोकन टू अस। प्रभु हमसे बातें किया है, बहुत हमारा जीवन में बहुत ही प्रोत्साहन कर रहे हैं, और हमको भी रोज करते हैं और करेंगे भी। ये विश्वास के साथ हम प्रभु का वचन बांटेंगे। आप हम लोग सब भाई लोग हैं, तो एक दूसरे को भी बता सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल चीज में प्रभु हमको क्या दिखाया है, क्या सिखाया है। सो दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग टू एनकरेज वन अनदर विद द वर्ड ऑफ गॉड। आई विल स्टार्ट वेरी ब्रीफली एंड देन ब्रदर्स कैन ट्रांसलेट, रत्नस्वामी कैन शेयर नेक्स्ट, एंड देन वी कैन ऑल द अदर ब्रदर्स ऑल्सो कैन शेयर फ्रॉम देयर हार्ट्स व्हाट प्रैक्टिकल वेज गॉड चेंज्ड अस। So I was thinking of this verse in Ephesians chapter 5. Brother Raju can translate. Yes, Rati. Main Ephesians ke adhyay 5 mein dekh raha tha. This is speaking basically to husbands. Verse 26 and 27. और वचन 26 और 27 ज्यादातर तो ऐसे पति के बारे में बताया गया है। Now, verse, chapter 5, verse 25, 26, और 25 and 26. वचन 25 और 26। It says, husband loves your wife, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of the water with the word. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उस वचन उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। So this is that Jesus has cleansed us, loved us, and he gave his life for us. यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमें अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। Same way the husbands should give up their lives and love their wives. और उसी प्रकार से पति भी अपने पत्नी के लिए अपने जीवन को देना है और उनसे प्रेम करना है। And we have to, Jesus has cleansed us by the washing of the water with the word. और प्रभु यीशु ने हमें जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया है वचन के द्वारा। So the word of God cleanses us. और प्रभु का वचन जो है हमें शुद्ध करता है। And makes us holy. और हमें पवित्र बनाता है। The same way we have to take the word of God and we have to cleanse, help us to cleanse our wives with the word of God by giving up our lives also for them. और उसी प्रकार से हमें भी वचन को द्वारा हमें भी अपनी पत्नी को शुद्ध करना है। The same way with one another, we have to wash one another with the word of God. और उसी प्रकार से एक दूसरे को हमें वचन के द्वारा शुद्ध करना है। So the word of God is said to be like water. और प्रभु का वचन यहाँ पे कहा गया है जल पानी के जैसा। We all know that we are cleansed by the precious blood of Jesus Christ. हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया गया है। But we are also cleansed by the water of the word. और प्रभु के वचन के द्वारा भी हमें शुद्ध होना है। The more we hear the word of God and the more we get light and we get of all the secret areas of our life.
और जितना हम प्रभु की वचन को सुनेंगे उतना ही हमारे जो जितने भी छिपे हुए पाप है वो हमें दिखाई देंगे। And all the wrong attitudes that we have. और जितने भी गलत हमारा जो रवैया है नजरिया है वो सब बातें। And all the wrong things that we do. और वो सब जो हम गलत कार्य करते हैं वो सब बातें। For example, suppose we are the habit of keeping things dirty and not tidy. The Holy Spirit will tell us that we have to be meticulous, we have to be hardworking and orderly, disciplined. और सपोज मान लीजिए कि अगर कोई गंदगी है गंदा सामान गंदे तौर पे रह रहे तो प्रभु बोलेगा कि हमें अनुशासन में रहना है, हमें उस सब बातों को ठीक कर देना है। See, normally men have a habit of not keeping things very clean. और ज्यादातर मनुष्य का जो आमतौर पे स्वभाव रहता है वो साफ सुथरी से नहीं रहना चाहते। Ladies have a habit of keeping things very clean. और जो महिलाएं होती है उनको जो है साफ सुथरा रहने में बहुत करना अच्छा लगता है। So we also have to learn to keep things clean. और इसलिए हमें भी सीखना है कि हम भी साफ सुथरा से रखें। So that also we get light over it on our own lives. Many times as young people, we are people who are leave many things untidy. और जैसे कि जवान लोग हैं ज्यादातर जो है वो काम जो जो कर रहता है उसको पूरी तरह से अच्छे से नहीं कर पाते हैं। And in their house also, and in their clothes, they throw it here and there in a very disorderly way. और घर में जो कपड़े रहते हैं वो इधर या उधर फेंके रहते हैं और बहुत ही अनुशासन के तौर पे नहीं रहता है। But the Holy Spirit will speak to the word through the word of God that we should be disciplined. लेकिन पवित्र आत्मा आपको बोलेगा कि आपको अनुशासन के अनुसार जीवन बिताना है। And then our habits will keep on changing. और जो हमारा आदत है वो भी बदलता जाएगा। And then all the sins also that we used to do earlier, that these sins will be cleansed one by one and we will become holy. और जो पापों से हम शुद्ध हो गए हैं और भी पाप जो हमें दिखाई दे रहे हैं उससे भी हम शुद्ध होते हुए पवित्र बन जाएंगे। Many times our minds would be going on worldly things and food and so many other worldly worries. The Holy Spirit will tell us through the word of God, this is not the way to think and this is not the way to behave. और हमारा जो मन है संसार की बातों में खाने पे और अलग अलग दिलचस्प में लगा रहता है, पवित्र आत्मा बोलेगा कि इससे ऐसा मत जियो, ये अच्छा नहीं। Many times our mind goes on sexually impure things. और ज्यादातर जो होता है हमारा मन जो है लैंगिक अभिलाषा की ओर आकर्षित होता है। But when we read the word of God says abstain from all appearance of evil, flee from all appearance of evil. लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि सब प्रकार की बुराई से भागो। And then when we take heed to that, we find that all these things become less and less, they don't come into our thoughts. And more the word of God and the will of God will be important for us. और जब हम उस वचन को गंभीरता से लेंगे तो प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत ही अच्छा लगेगा और हम उस पे चलते रहेंगे। And we get renewed, it says in our minds in Romans chapter 12 verse 2. और रोमियो के अध्याय 12:2 में कहता है कि हम नया हो जाएंगे। So, and do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind so that you may prove what is the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. इस संसार के अनुरूप ना बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली ग्रहण योग और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। So instead of copying all the things of the worldly people do, we have to see what the word of God has to say in every area of our life. संसार के जो लोग हैं संसार की चीजों को ही उसका नकल करते रहते हैं, लेकिन हमें प्रभु के वचन से देखना है कि प्रभु हमें क्या चाहते हैं कि किस प्रकार से जीना है। For every area, God is very willing to speak to us how to behave. हर एक क्षेत्र में हमें देखना है कि पवित्र आत्मा हमें कैसे अगुवाई कर रहा है, उस आवाज को सुनना है। So if we read the word of God, then we understand God's ways. जब हम पवित्र साथ पढ़ेंगे तो हम प्रभु के रास्ते को जान पाएंगे। What is important in God's side and what God doesn't like? और क्या परमेश्वर को पसंद है और क्या परमेश्वर को पसंद नहीं है?
So we see that the worldly people like to eat and drink and spend a lot of time thinking about that. संसार के लोग जो है ज्यादातर खाने पीने में और अलग अलग समय में अपना जीवन बिताते हैं। But the, Jesus said, don't be like the worldly people who are eagerly seeking all these things. You seek the kingdom of God and of peace and joy and love in the Holy Spirit first. प्रभु यीशु ने कहा कि तुम अन्य जातियों की तरह मत बनो क्योंकि वो तो संसार की चीजें पूरी इगरली पूरे दिल से ढूंढते हैं लेकिन तुम उनको ऐसा नहीं बनना है पहले प्रभु के राज्य को और धार्मिकता को खोजना है। They are always worried about the future, what will happen. He said, you don't get worried, be content with God has given you, God will take care of you. और वो हमेशा जो है संसार की बातों में चिंता रखते हैं क्या खाएंगे क्या कैसे रहेंगे लेकिन प्रभु कहते हैं कि प्रभु आपको सब बातें से आप सब आपको आशीष देगा। These are the words of Jesus Christ so that we God Jesus Christ the Holy Spirit is speaking to us directly through the Son of God. और ये प्रभु का वचन है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामने से बात कर रहे हैं। In the old covenant they did not have the Son of God speaking to them. और पुराने नियम में ऐसा था कि प्रभु का जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं बात कर रहा था। In the new covenant, God directly speaks to us through His Son. और नए नियम में जो है प्रभु यीशु के द्वारा हमसे डायरेक्ट सामने से बात कर रहे हैं। Through the Gospels and through the Epistles. और सुसमाचार के द्वारा और जो Epistles है उनके द्वारा। The purpose of it is to change our lives. और मेन मकसद ये है कि हमारा जीवन को बदल दे एंड टू मेक अस टू द कैरेक्टर ऑफ गॉड दैट वी कैन बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड जॉयफुल एंड पीसफुल और हमें प्रभु के स्वरूप में बना दे और हम पूरी तरह से आनंद में जीवन जिए। दैट इज व्हाई वी हैव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड थिंक अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड एंड एनकरेज वन अनदर विद द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए हमें प्रभु के वचन को पढ़ना चाहिए और प्रभु के वचन को बोलना चाहिए और वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। I really thank God that so much of my thought life has been changed. और मैं भी प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मेरा जो विचार का जो जीवन है बहुत बदल गया है। Earlier my mind used to be on for worldly things and also how to become great and also to become a leader and to become great in the church also. और मेरा जो पहले मन था कैसे किस प्रकार से मैं महान बनूं कैसे चर्च में महान बनूं और अलग अलग मेरे परीक्षाओं में मैं ऐसा सोचता था। And these are all worldly type of thoughts and not the thoughts of Jesus Christ. और यह सब प्रकार का जो विचार था वो सांसारिक विचार था ये प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से सोचते थे वैसा विचार नहीं था। Jesus only came to serve and he didn't come to become a big leader. प्रभु यीशु मसीह इस जगत में हमें सेवा करने आए ना कि वो बड़ा अगुवा बनने आए। Jesus said, if you want to be great in God's kingdom, you must be the servant of all. और प्रभु यीशु ने कहा कि यदि आपको परमेश्वर के राज्य में महान बनना है तो आपको सेवक बनना पड़ेगा। You and I have been called to serve one another. हमें आपको और हमें इसलिए बुलाया गया है कि हम एक दूसरे की सेवा करें। So the best of our ability and the best of our the time that we have. और हम अपना पूरी तरह से जो हमारा जो समय है सब चीजों से हम प्रभु हम एक दूसरे की सेवा करें। The Apostle Paul says that it is Jesus Christ whom you serve. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवा करता हूँ। There is the it is I think it is written in Colossians. कुलुसियों के अध्याय में हम जाएंगे। Yeah, verse chapter 3. Adhyay 3. Whatever you do, verse 23-24. 23 or 24. Whatever you do, do your work heartily as to the Lord rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of inheritance, for it is the Lord Jesus Christ whom you serve. जो कुछ तुम करते हो उस कार्य को मनुष्यों का नहीं वरन प्रभु का समझकर तन मन से करो यह जानते हुए कि तुम प्रभु से प्रतिफल अर्थात मिरास पाओगे तुम प्रभु मसीह ही की सेवा करते हो। So at home we are serving the, whatever work we are doing the small things or the big things we are serving our Lord Jesus Christ. और हम जो घर पे जो कुछ भी काम करते हैं वो सब हम प्रभु यीशु के लिए ही करते हैं। When we go to office, we have to serve the Lord by doing our work well. और हम जब दफ्तर में काम करते हैं, वहाँ भी हम प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करते पूरे दिल से करना है।
If you're a student, you're supposed to study hard and do work hard to, as for to please the Lord. और यदि आप छात्र हैं तो आपको आपका जो पढ़ाई का जिम्मेदारी है पूरे दिल से हमें करना है. And in this church, we have to serve one another because we are serving Jesus Christ. और कलीसिया में हमें एक दूसरे की सेवा करना है क्योंकि हम प्रभु मसीह की ही सेवा कर रहे हैं. We are not to please the elder or anybody, but to serve, to please the Lord, and with all of our hearts, we should serve one another. हम कोई अगुओं को प्रसन्न नहीं करें बल्कि हमें पूरे दिल से एक दूसरे की सेवा करना है और मसीह की सेवा करते हैं. And when we serve Jesus Christ, Christ like that, we will receive the reward. और अगर हम इस प्रकार से प्रभु यीशु की सेवा करेंगे तो प्रभु यीशु में हमें हमें इनाम देंगे. Verse 24 says, knowing that from the Lord you will receive the reward of inheritance. और वचन 24 में कहता है यह जानते हुए कि तुम प्रभु से प्रतिफल अर्थात मीरास पाओगे. So the Lord is watching all that we do. प्रभु परमेश्वर जो है सब कुछ देख रहे हैं जो हम काम करते हैं. The Lord will see one day whether I did it to get glory for myself or to glorify the Lord. एक दिन प्रभु हमें बताएंगे दिखाएंगे कि तुमने परमेश्वर की महिमा के लिए किया या खुद की महिमा के लिए किया. If we have to serve one another and serve the church, let us do it for the glory of God. और हमें जब एक दूसरे की सेवा करना है या कलीसिया की सेवा करना है तो हमें प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए करना है. And then we will receive the blessing of God over our lives. और तब हम प्रभु का जो आशीष है हमारे जीवन में आएगा. So these things, the word of God keeps on talking to us and changing our attitudes and changing our selfish ways. और इस प्रकार से जो प्रभु का वचन है हमारा जो जीवन है हमारा सोचने का नजरिया है हमारा जो विचार है सब प्रभु बदल रहे हैं. And how to spend money, the Lord will speak to us how to spend money, how to be faithful in money matters. और प्रभु जो है आपको पैसे के मामले में भी बताएंगे कि किस प्रकार से उसको इस्तेमाल करना है. Jesus said nobody can serve two masters, either serve God or serve the money. प्रभु परमेश्वर ने कहा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते या तो तुम पैसे की या तो परमेश्वर की करो. What is your first priority in your life, to make more money or to serve the Lord? आपके जीवन में पहला प्राथमिकता किनको आप देते हैं पैसे को देते हैं या परमेश्वर को. Yes, we all have to work hard, but we have to keep God as priority in our life. हाँ ये सच बात है कि हमें पूरे हृदय से हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए लेकिन हमें प्रभु के लिए करना चाहिए. So we have to keep Lord first in our life. और हमें प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए. So in all these different small areas of our life, the Holy Spirit speaks to us through the Word of God. और ये जो छोटी छोटी जगह है छोटे छोटे जो क्षेत्र है उसमें हमें प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए. If I don't read the word of God and if I don't think about the word of God, I will think just the way the worldly people think. और यदि मैं हम सब परमेश्वर के वचन का मनन नहीं करेंगे उसके बारे में सोचेंगे नहीं तो हम फिर संसार जैसा सोचते हैं वैसे ही सोच हमारा आ जाएगा. Is this the way that what is my behavior? Is it glorifying God or not? और ये ऐसा है हो जाएगा कि क्या मेरा जीवन प्रभु का महिमा दे रहा है या नहीं दे रहा है. There are so many birthday parties and wedding parties Christians conduct. Born again Christians, they have just become like worldly parties. आज मसीहों में ऐसा हो रहा है कि जो बर्थडे जन्मदिन मनाते हैं या शादी होता है तो उसमें पार्टी हो जाती बहुत पार्टी होता है और ये जस्ट अलग संसारिक जैसा हो जाते हैं. They have play all worldly music and they wear so many ornaments and some people wear Mangal Sutra and they keep on dancing and doing all these things. और सब प्रकार की संसार की जो गाने बजाने हैं वो होते हैं और जैसे हिंदू लोग रहते हैं मंगल सूत्र पहनना और अलग अलग रीति रिवाज जो है जैसे संसार करता है वैसे ही मसीह लोग भी कर रहे हैं. So this does not honor God at all. और ये इस बात ये जो बातें हैं वो परमेश्वर को आदर कभी नहीं लाएगा. When we know God's will, say no to all these things, no to the worldly things, and no to our relatives and to our friends. और जब हम प्रभु की इच्छा को करना चाहते हैं, तो हमें प्रभु की इच्छा ही क्यों करना है, ना कि हमें रिश्तेदारों की सुनना है और हमें और किसी के अधीन में नहीं जाना है. And that is how we, if we don't listen, if we listen to the word of God, we are cleansed from all these bad habits from our lives. और यदि हम प्रभु के वचन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हम अपने गंदे आदतों से छुटकारा पा लेंगे.
And we are set free from all worldly longings and we don't keep on fighting for earthly things. और जो संसारिक जो हमारे अंदर चाह आता है इच्छा आता है वो सब से हमें हम छुटकारा पालेंगे because the word of God makes our mind new. क्योंकि प्रभु का वचन जो है हमारा मन को नया बना देता है new ways of thinking according to the will of God. और नए तरीके से हमारे सोच विचार को बदलता है so the word of God has really changed so many of our lives. और प्रभु का वचन जो है हमारे जीवन को और कितने सारे लोगों के जीवन को बदल दिया है and my life has been changed and the Lord is changing me more and more. और मेरा जीवन भी बदल गया है और प्रभु मेरे जीवन को और भी बदलते जा रहे हैं. We sing that song from glory to glory he's changing me. जैसे हम वो गीत गाते हैं महिमा से महिमा प्रभु हमें बदल रहा है. From earthly things to the heavenly. पृथ्वी की बातों से छोड़ के स्वर्गीय बातों में बदल रहा है. So the earthly things become less and less important to us. Heavenly things become more and more important to us. जिससे कि जो संसारिक बातें चीजें वो बहुत कम कम हो जाए और स्वर्गीय बातें हमेशा ज्यादा ज्यादा होती जाए. We are more interested in the word of God and becoming like Jesus Christ and telling the gospel to other people also. और हम हर दिन प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाते हैं और जो सुसमाचार है लोगों तक पहुंचाते हैं. When we see new people, we see our relatives, we want to tell the word of God to them. और जब कभी भी हम नए व्यक्ति या कोई व्यक्ति से हम मिलते हैं या हम रिश्तेदार से मिलते हैं तो हमें प्रभु का वचन उन्हें बता देना चाहिए. See, when I meet my relatives, I always want to tell them about Jesus Christ, how to repent and how to go to heaven, how to learn. If they are willing to listen, I'm willing to tell them that. और मैं जब कभी भी अपने रिश्तेदारों से मिलता हूँ तो प्रभु का वचन उन्हें बताता हूँ कि कैसे मन फिराना है, किस प्रकार से आपको स्वर्ग में जाना है. और अगर वो सुनना चाहते हो मैं हमेशा उनको बताना चाहता हूँ. I'm not interested in talking to them about politics and all the worldly things and everything what is happening here and there. But that is a waste of time. और मैं उन बातों में ज्यादा दिलचस्प नहीं रखता ज्यादातर राजनीतिक के बारे में सांसारिक बातें में और इधर उधर की बातें जो रहती उस समय मैं ज्यादा इच्छा नहीं रखता हूँ. If they are not interested, I just tell them, okay, now we will finish and I don't invite such people also to my house because they'll come and waste my time. और अगर वो सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं भी समय बिताना ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ. मैं वहां से निकल जाता हूँ और अपने घर में भी उनको ज्यादा बुलाता नहीं क्योंकि मेरा समय बर्बाद होता है. Jesus was like that. He didn't keep on wasting his time on people who are not interested in the gospel. और प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से जीवन जीते थे. वो समय को बर्बाद नहीं करते थे. So he is interested in all those people who are humble and who want to hear and learn and we can have fellowship. और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो नम्र है जो प्रभु की सुनना चाहते हैं और प्रभु उनको बदल डालेंगे. So God gathers his people together and God the worldly people gather into another group. और जो संसार के जो लोग हैं वो अलग एक झुंड में रहते हैं और परमेश्वर के जो लोग हैं वो उनका अलग झुंड रहता है. Jesus Christ wants us to be his bride. और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनकी दुल्हन बने. And the world wants is attracting us so that we will become a prostitute. और संसार जो है हमें अपनी ओर खींच रहा है जिससे कि हम एक वेश्या जैसा बन जाएं. Because if we keep the world first in our life, we don't become the bride of Christ. We will love the world and all sin will come into our life. और यदि हम प्रभु के पहला स्थान नहीं देंगे और उनके दुल्हन जैसा नहीं रहेंगे तो हम संसार के चीजों में चले जाएंगे. The vast majority of believers are just wanting to please the world and they want the worldly things and these things are becoming less. The word of God is not becoming very important to them. और अभी के समय में ऐसा हो रहा है कि ज्यादातर मसीह विश्वासी जो है वो संसार को ही खोज करना चाहते हैं, उसमें ही दिलचस्प ज्यादा जा रहे हैं उनका. When a person is considering marriage, I always tell the brothers and sisters, always keep the spiritual things first. The person should love the Lord. और जब कभी भी शादी विवाह की बात आती है या मसीहों के लिए तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि आप देखिए प्रभु का पहला स्थान होना चाहिए. That person should not be, don't see that the things that I'm marrying this person because he's very beautiful or he's rich or talented or educated. कभी भी ऐसे धोखे में ना आए कि वो बहुत अच्छा आदमी है, बाहर से सुंदर दिख रहा है, उसे पैसे भी अच्छे काम है, ये सब बातों में आप कभी धोखे में ना जाएं. First thing is that person, does he fear the Lord, does she fear the Lord? पहली बात ये हमें देखना है कि क्या वो व्यक्ति या वो सिस्टर बहन प्रभु की भय मानती है या नहीं.
because outer beauty will fade away very soon. क्योंकि बाहर की जो सुंदरता है वो चली जाएगी. But the inner beauty will remain. लेकिन जो अंदर की जो सुंदरता है वो सदा बनी रहेगी. All the worldly people look after only the outer things. संसार के जितने भी लोग हैं वो सब बाहरी दिखावा, बाहरी चीजों को ही ज्यादा देखते हैं. Jesus never looked at the outer things. He always looks at people's hearts. और प्रभु यीशु ने कभी भी बाहर के सुंदरता को ना देखा, बल्कि उनके हृदय को देखते थे. So the Lord Jesus is looking at my heart and your heart. और प्रभु यीशु मसीह जो है आपके हृदय को और मेरे हृदय को देख रहे हैं. What are the desires? Are the desires for worldly things? Are the desires there for heavenly things and to become like Jesus? आपकी इच्छा क्या है? क्या आप संसार की तौर तरीके से जीना चाहते हो या प्रभु यीशु मसीह की इच्छा अनुसार जीना चाहते हो? So we must tell the Lord honestly, Lord, I've got a lot of worldly desires, but please change my life. I want to become more and more like you. I want to have heavenly desires. और प्रभु को ईमानदारी से हमें बोल देना है कि प्रभु मैं अब मैं स्वर्गीय आपकी इच्छा अनुसार जीना चाहता हूँ, संसार से मैं मन फिराना चाहता हूँ. And I want to obey you whenever you tell me what not to do certain things. और मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहूंगा. जो आप कहेंगे, जो चीजें हमें नहीं करना है उसे हमें सहायता करिए. Thus I will be cleansed and I'll be renewed more and more light I will get and more closer I'll get to the Lord. और हम जो है ज्यादा ज्यादा फिर प्रकाश मिलता रहेगा और प्रभु के नजदीक बहुत करीब हो जाएंगे. So praise the Lord, brothers, for all the word of God which we must read and think about more and more. और प्रभु की स्तुति हो भाइयों, हम प्रभु के वचन के बारे में सोचते रहे, उसी पे मनन करते रहे और उसी पे चलते रहे. And we must also hear the word of God in the meetings, and also we have good messages that we good brothers and sisters, godly brothers and sisters. और हम संदेशों को जब सभा में आते हैं तो हम भाइयों से भी सुने और उनके द्वारा प्रोत्साहन पाए जाए. There are sometimes good sisters, even like Johnny Erickson, we heard about. She is a paralyzed sister. How she gave a wonderful testimony, how God is changing her. हाल ही में एक वीडियो हमने देखा वो जॉनी के बारे में था, किस प्रकार से उनकी जो गवाही है उन लोगों को आशीष का कारण बन गया. Even after 35 years of suffering in the wheelchair, she has become so close to the Lord, and when she speaks, everybody gets so encouraged. आज भी वो 35 वर्ष की हो गई है, फिर भी वो दूसरों के लिए बहुत प्रसन्न है कि वो दुख के जरिए वो गई है. So dear brothers, let us always let the word of God change every area of our life. और इसलिए आइए भाइयों, जो भी प्रभु के वचन से हम अपने आप को शुद्ध स्नान करके बदल दे जाएं. Amen. Amen. So can your brother Ratnaswami share, and then all the brothers can share one by one. Take an opportunity to share what God has changed your life through the word of God. You can give us some examples also. I thank God for today's encouraging words. और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहन भरे वचनों के लिए. So God's word is so important in our life. और प्रभु का जो वचन है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है. And at the same time, if we give very very important to God's word, then only it will speak to us. और जब हम प्रभु के वचन को बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें देंगे, उनको पहला देंगे, तो हमारे जीवन में वो प्रभु का वचन बात करेगा. Jesus told, man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God. प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है. Jeremiah chapter 15 verse 16. और यर्मिया के अध्याय 15 में वचन 16 देखेंगे. Your words were found and I ate them, and your word was to me the joy and rejoicing of my heart. और आपके वचन को मैंने मानो खा लिया है और आनंद के साथ में हमारे हृदय में आया है. Yes, my dear brothers and sisters, brothers, God's word is rejoicing. और प्रभु का वचन जो है बहुत आनंदमय है. If we love them, it will give life to us. और यदि आप उससे प्रेम करेंगे तो वो आपको जीवन देगा. John chapter 6 verse 63. और यूहन्ना के अध्याय 6 में वचन 63. Please read, brother. Yes. यूहन्ना के अध्याय 6 63. आत्मा ही है जो जीवन देता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं,
जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है. यस, गॉड्स वर्ड इज स्पिरिट एंड इट गिव्स अस लाइफ. और परमेश्वर का वचन जो है वो एक आत्मा है और हमें जीवन देता है. That is why we have to give more importance to God's word daily, early in the morning after getting up. At least spend 5 minutes in the word of God. और इसलिए हमें प्रभु के वचन को बहुत गंभीरता से लेना है और उसे हमें सुबह उठते ही पहले कम से कम 5 मिनट तो प्रभु का वचन तो जरूर समय बिताना चाहिए. Then we naturally love His words, my dear brothers. और फिर हमारे जीवन में स्वभाव तौर पे ही प्रभु का वचन से हम प्रेम करने लगेंगे. In my life, God's word helped me to avoid so many sins. और मेरे जीवन में प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझे सहायता किया बहुत सारे पापों से हमें बचने के लिए. It will be true to your life also. और ये जो है आपके जीवन में भी सच हो जाएगा. Because God's word is truth and powerful. क्योंकि प्रभु का वचन जो है सत्य है और बहुत ही सामर्थ्य है. Finally, Psalms 119 verse 165. और भजन संहिता 119 में 165 हम देखेंगे. प्लीज रीड ब्रदर. यस, जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उन्हें बड़ी शांति मिलती है और उनको किसी बात से ठोकर नहीं लगती. Yes, God's, if we love God's word and His truth, it gives peace to our life. और यदि आप प्रभु के वचन से प्रेम रखेंगे तो आपको शांति देंगे. Nothing tempts us. और कोई भी बातें आपको जो है परीक्षाओं में नहीं ले जाएगा. Praise God, Amen. प्रभु की स्तुति हो, Amen. Amen. शेयर करो. हेलो, प्रेज लॉर्ड. प्रेज लॉर्ड. हाँ, प्रभु को धन्यवाद मैं देता हूँ. आज इफिसियंस पत्र ये मंडली के लिए है. मंडली को गौरव और पवित्र करने के लिए पॉल बोल रहा है. और इफिसियंस पत्र 5:25-27 में बोल रहे हैं उद्धार और राज्य पर्यंत मंडलीला टप्प्या टप्प्याने हो शुद्ध करने का ये समय है. जैसा पति पत्नी को प्रीति से अलग होता नहीं, प्रीति करने का चाहिए. प्रभु ने मंडली पर प्रीति किया है और अपने मंडली को अर्पण किया है. आज मंडली में हम मंडली पर हम प्रीति करना चाहिए. मंडली पवित्र शुद्ध और निष्कलंक रहना चाहिए. उद्धार और राज्य के विषय बोल रहा है. राज्य आप पुरुष लोग ने बोला है, यीशु को बोला है कि देवाचे राज्य किधर है, इधर है उधर है. प्रभु ने बोला है प्रभु का राज्य इधर उधर कुछ नहीं है, प्रभु का राज्य तुम्हारे आत्मे है. आज प्रभु का राज्य हमारा आत्मे रहता है, इसलिए हम मंडली शुद्ध और पवित्र होना चाहिए. जैसा हवा ने आदम के पास ले लिया, ऐसा मंडली ख्रिस्त के पास पवित्र और शुद्ध होना चाहिए. और एक वचन है यौहन को शुभवर्तमान 17:17 में यौहन 17:17 में बोल रहा है तू त्यांना खरेपणात पवित्र कर, तुझा शब्द हाच खरेपण आहे. तू त्यांना खरेपणात पवित्र कर, तुझा शब्द हाच खरेपण आहे. आज प्रभूचा शब्द हाच खरेपण आहे. आज खरेपणामध्ये हम प्रभु के पास जाना चाहिए. हम प्रभु के पास जाना चाहिए, इसलिए हम खुद हमको परखना चाहिए. हम मंडली के लिए कैसा जी सकता है, मंडली के लिए हम कैसे प्रीति होना चाहिए, मंडली के लिए हम
कैसे वचन में मनन में बढ़ना चाहिए, आज हम स्वतः परखना चाहिए, क्योंकि नीति सूत्र चार में एक वचन लिया है। नीति सूत्र चार नीति सूत्र चार और 25-26 तुझे डोळे नीट समोर अवलोकन करून आणि तुझ्या पापण्या तुझ्या पुढे सरळ पाहून तू आपल्या पायाची वाट सपाट कर आणि तुझे सर्व मार्ग व्यवस्थित असून तू उजवीकडे किंवा डावीकडे वळू नको, तू आपला पाय वाईटापासून राख। आज मंडली के लिए एक काफी वचन का ऐसा चलना मांगता है। प्रभु पवित्र है, पवित्र प्रभु के लिए हम शुद्ध रहना चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का वचन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रभु का वचन भी मेरे जीवन में बहुत बदला है, और खासकर प्रभु का वचन ही जो हमें बहुत सारे परीक्षाओं से बचाता है। और प्रभु का वचन, एक वचन पढ़ना चाहूँगा, भजन संहिता 18:30। परमेश्वर का मार्ग तो सिद्ध है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, जो उसमें शरण लेते हैं उन सब की वह ढाल है। तो परमेश्वर हमेशा अपने वचन के द्वारा इंकरेज करते हैं और उनका मार्ग जो है सिद्ध है और सच्चा है। और इवन में कोई भी परीक्षा या सिचुएशन आता है तो पवित्र आत्मा उसमें मुझे याद दिलाता है कि इस सिचुएशन में जैसे गॉड ने बोला है कि अपने विचारों को शुद्ध रखना है, तो उस समय परमेश्वर हमें वचन दिलाते हैं कि मैथ्यू चैप्टर 5:28-30 की सबसे उसमें बताता है कि यदि आंख पाप करो तो हाथ काट दो, यदि हाथ पाप करे तो आंख काट दो। और तो प्रभु कहते हैं कि हमें विचारों को भी शुद्ध रखना है। तो गॉड रिमाइंड करते हैं, वार्निंग करते हैं, इवन कभी कभी काम वगैरह करते रहे तो अगर सपोज आलसीपन आया है तो परमेश्वर फिर बात करते हैं, बोलते हैं कि वट एवर यू डू, डू इट विद ऑल योर हार्ट फॉर द लॉर्ड, यू आर सर्विंग द लॉर्ड, प्रभु की सेवा कर रहे हो। प्रभु हमें सामर्थ देते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो हमारा कोई भी हमारा समय व्यर्थ नहीं जाता है, प्रभु की महिमा को जाता है। तो परमेश्वर हमेशा हमें प्रोत्साहन देते हैं, खासकर कभी कभी पिछले जब मैं मसीह में आया था तभी प्रभु के वचन के द्वारा सच्चाई जाना। और रोमियो 10:13 में भी लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो प्रभु ने हमें विश्वास दिया है, इस विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए हमें हर दिन प्रभु के वचन में मनन करना बहुत जरूरी है। और खासतौर पे पॉल भी बताता है कि हम सच्चाई के लिए तो सच्चाई के लिए ही जी कर सकते हैं, अगेंस्ट वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द ट्रूथ, मतलब हम सच्चाई के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो प्रभु ने हमें हर दिन मैं भी कई कई वचन वगैरह है कहीं कहीं लिख के रखता हूँ, या कभी वॉल में, कभी किधर पेपर में, या कभी कोई स्टिकर है तो उधर लगा देता हूँ, जिससे गॉड मुझे जब भी मैं उठता हूँ तो गॉड मुझे रिमाइंड करते हैं किसी आज अभी तुम्हें क्रूस उठाना है, टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी। तो वो वचन भी प्रभु हमें हर दिन बात करते हैं। दूसरा एक और जो है प्रभु प्रोवर्ब्स चैप्टर में भी लिखा है नीति वचन 3 में कि तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना तो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो ये सब परमेश्वर का वचन जो है हमें बात करता है तो हमें सुरक्षा महसूस होता है और हम गलत कार और गलत रास्ते में जाने से बच जाते हैं। और फिर प्रभु हमें हर दिन अपने भय में चलाता है और फिर हम हमारे हृदय में शांति और प्रभु का महिमा होता रहता है। तो प्रभु ने वार्निंग भी दिया कि आकाश पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वाते कभी नहीं टलेगा। इसलिए प्रभु यीशु ने आखिरी एक वचन बताना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने जब एक दृष्टांत बता रहे थे वो चार प्रकार की जमीन के बारे में,
तो कई बार ऐसा होता है कि मैं भजन वगैरह सुनता हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा टाइम में फिर वो चला जाता है। लेकिन आगे प्रभु ने बोला कि जो अच्छी भूमि पर गिरता है तो वो अच्छा फल लाता है, अच्छा 100 गुना 60 गुना। तो प्रभु हमें हर दिन अच्छा फल लाएंगे, तो उनके पालन करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा। नहीं तो अगर हम फल नहीं लाएंगे तो उस झाड़ी के जैसा हो जाएंगे जो संसार की चिंता अलग अलग बातों से चलता है। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने वचन से हर दिन बात करते हैं बाइबल के द्वारा। एक इच्छा दिया है, एक मेरे अंदर एक इच्छा दे दी है प्रभु ने कि मैं उनके वचन के साथ साथ ही चलूँ, क्योंकि वो सुरक्षा है और दुष्ट लोगों से और बुरी संगति से भी प्रभु हमें बचाते हैं। प्रभु की धन्यवाद देता हूँ। आमीन। धन्यवाद देता हूँ कि मैं अभी मैं जॉब पर से आया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कौन से क्षेत्र में मतलब मैं गिरा हूँ, और बहुत से बातों में मैं हमेशा ये तकलीफ में जाता रहता हूँ। मतलब मैं क्या करूँ, कैसा करूँ और कैसा मुझे करना है। तो वो समय में वो सब बताते हैं कि कौन से दिक्कत में तुम्हें नहीं जाना चाहिए, और मतलब जब परमेश्वर मुझे रोके जिस जगह पे, उस जगह में फिर भी मतलब उन मतलब मैं को मतलब सुनता नहीं हूँ और डायरेक्ट चला जाता हूँ। जब वहां पे जाता हूँ तब मुझे वहां पे जब तकलीफ होती है तब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये चीज नहीं करना चाहिए। तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, HKL 37:23, उसमें लिखा है, और वे अपने आप को अपनी मूर्तियों अथवा अपने घृणित वस्तुओं अथवा अपने अपराधों से शुद्ध अशुद्ध न करेंगे, परंतु मैं उनको निवास स्थानों से छुड़ाऊंगा जिनमें उन्होंने पाप किया, और उन्हें शुद्ध करूंगा, तब वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। तो मतलब मैं इन चीजों में देखता था कि परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ कि सही है। मतलब मैं कभी कभी मतलब बहुत जॉब पे मतलब बहुत से बातों में लेके ऐसा मतलब बहुत कुछ मेरे साथ लोग ऐसे बात करते थे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि मैं मतलब राइट हूँ, फिर भी हमें मतलब वो लोग बोलते हैं नहीं गलत हो। तो मैं परमेश्वर के ऊपर छोड़ देता हूँ कि परमेश्वर जो जो भी है आपके हाथ में दे देता हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ और आपकी इच्छा के अनुसार ही जीना चाहता हूँ। तो वो परमेश्वर मुझे बताते हैं कि कैसा जीना है और कैसा रहना है। तो मुझे उस टाइम भी तब प्रोत्साहन आता है, तब परमेश्वर मुझे एक अलग खुशी देते हैं कि जैसे कि मैं उससे मतलब किसी के साथ मतलब ऐसा मतलब उसको ये बता भी नहीं सकता कि मुझे कैसे खुशी मिलती है। तो मुझे ऐसे खुशी मिलती है, तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि, और जो इसमें लिखा है कि मूर्तियों को अपने मतलब मूर्तियों को छोड़ेंगे, जब मैं अपनी हर एक मूर्ति जैसे पैसा हो गया या मेरा और चाल चलन या पिक्चर देखना या किसी में, जबकि मैं इन सब चीजों में छोड़ता हूँ, तब मुझे परमेश्वर मतलब एक अलग खुशी और एक अलग मतलब दुनिया में लेके जाते हैं जहाँ पे परमेश्वर का मतलब राज्य स्थापित होता है। तो वो मुझे दिखाते हैं मतलब कौन सी चाल चलना है और कैसे रहना है। तो वो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इन सब बातों से अभी लेके जा रहे हैं, और आगे मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे आगे और बढ़ाएंगे। धन्यवाद करता हूँ। आमीन। आमीन। हेलो, मैं एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर यहाँ खड़ा रख रहे थे और रखे हैं, और प्रभु जी अपने साथ में है। लेकिन थोड़ा सा वो चंदा के बारे में मैं प्रभु से बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु यहाँ दबाव की वजह से, हमारे मिसेस तो नहीं बोल रही थी ब्रदर कि हम देंगे, लेकिन यहाँ का दबाव की वजह से थोड़ा मैं उधर झुका हूँ। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप प्रभु यहाँ से मुझे छुड़ाइए और यहाँ से निकालिए इस दलदल से। ये हमारा हमारा हमेशा का बोझ बना हुआ है। तो यहाँ एक अभी वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 9:10 है ब्रदर, सॉरी 9:10 है ब्रदर। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया है। यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि अगर हम परमेश्वर को खोजेंगे,
दिल से चाहेंगे तो हमें कभी वो परमेश्वर नहीं त्यागेंगे, चाहे तो हम आकाश में रहे या घोर अंधकार में रहे, लेकिन प्रभु हमें कभी छोड़ेंगे नहीं। संकट कष्ट तो आएगा, लेकिन अपना पिता, अपने लोगों को, अपने खोजियों को कभी नहीं छोड़ेंगे। वो अपने वचनों के द्वारा वायदा किए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ हम ब्रदर जी से भी पूछे, और थोड़ा सा हम अपने आप को भी थोड़ा गिर गए कि क्या कर देंगे नहीं कर देंगे, थोड़ा डर गए। लेकिन मिसेस तो नहीं डर रही थी कि जो होगा देखा जाएगा। मैं इनका बात अगर मानता तो थोड़ा सा के लिए मैं गिरा हूँ, तो आप लोग थोड़ा प्रार्थना करिएगा कि यहाँ से हमारा छुटकारा हो जाए। प्रभु के धन्यवाद है, ब्रदर जी ने बहुत उत्साह किए हमको। प्रभु की स्तुति हो, आमेन। सो ब्रदर्स, प्रभु हमसे सब बातें करते हैं, हम प्रभु का वचन सुनेंगे। प्रभु तो हमको स्पष्ट नहीं है, तो प्रभु हमको बार बार हमसे बातें करेंगे और स्पष्ट कर लेंगे तो उनका इच्छा क्या है, तो उनकी इच्छा के अनुसार हमको चलना है, तभी हमारा प्रकाश और ज्यादा बढ़ेंगे। But let us be faithful to listen to the voice of the Lord more, so that we can hear the voice more and more clearly. Gavani aur spasht se hum sun sakte hain aur unki sangati mein hum chal sakte hain. So we can pray. Kal to Sunday ka meeting hai, hum log bhi online meeting aur dono saath pe kar rahe hain. Brothers parade mein meeting kar rahe hain. So saath saath mein, last time there was thoda problem tha sound system ka. Ye time hum log thoda we'll try to improve it. क्योंकि साउंड सिस्टम वॉज नॉट वर्किंग, बहुत साल के टाइम के बाद हम लोग यूज किया था। तो आप लोग लॉग इन कर लीजिए, 10 बजे है, 10 o'clock मीटिंग चालू करने वाला, 10 टू 12, 12 बजे तक। जो जिसके पास जो जो फ्री कैन कम अराउंड एंड हेल्प इन द अरेंजिंग द हॉल अरेंजमेंट के लिए आके हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी 9:30 तक आ जाएंगे तो हम लोग साउंड सिस्टम बाकी का बुक्स अरेंज करना वो सब कर सकते हैं। तो आप थोड़ा जल्दी आ जाएंगे तो अच्छा है, बाकी लोग भी टाइम पे आके वी कैन स्टार्ट द मीटिंग ऑन टाइम। तो हमको भी इसमें डिसिप्लिन रखना है, वी मस्ट सर्व द लॉर्ड विद डिसिप्लिन एंड फेथफुली, जो कुछ भी करना है प्रभु के लिए, महिमा के लिए करना है। और हम लोग ब्रदर रामशरण को भी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको करेज दे देंगे, प्रभु की संगति में रहेंगे एंड को प्रोटेक्ट करेंगे फैमिली को भी। तो अभी एक हफ्ता बाकी है उनको वहाँ रहने के लिए। So God will bless them. प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारा रक्षा करते हैं प्रभु जी, आपका वचन हमको सिखाता है प्रभु जी, आपके वचन से हमारा जीवन बदल गया प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, हम पवित्र आत्मा से भरे, हमको और ज्योति दे दे ताकि हम ज्योति में चले प्रभु जी। इसलिए राम शरण को भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, वो लोग दबाव पे है प्रभु, उनको ये दबाव से निकालिए प्रभु जी, उनको दृढ़ रहने के लिए कोशिश कर ताकत दे दे प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए रहने के लिए जीने के लिए उनको ताकत दे दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में हम बोलते हैं प्रभु जी, हम मानते हैं। तो बच्चों को भी रक्षा करे और हमारा जवानों को भी ताकत दे दे, आप दुनिया के साथ वर्ल्ड के साथ से खिलाफ वो खड़े रहे प्रभु जी और आपके सच्चे गवाही बने, हमको पवित्र आत्मा से भरे प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन।